मुख्यमंत्री शहरी आवास मिशन के तहत रतलाम जिले की जावरा पिपलौदा की 315 आवासहीन परिवार को जावरा नगर पालिका में एक कार्यक्रम में पट्टे बांटे गए, जिसमें आलोट विधायक मनोज चावला, रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान और जावरा SDM राहुल धोटे आदि मौजूद रहे। प्रदेश के कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सचिन यादव भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन वे नहीं आए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर घमासान जारी है, मगर इसका असर बाहर नहीं दिखा। जी, जैसा कि आपको मालूम है, मुख्यमंत्री भू अधिकार वितरण ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया है। इसमें 2014 की स्थिति के पहले जो शासकीय नजूल भूमि पे लोग काबिज रहते हैं और इस आशय का कोई प्रमाण उनके पास में होता है तो इनका एक सर्वे किया जाता है और उस सर्वे के अनुसार पे उन तथ्यों को सही पाए जाने पर इनको भू अधिकार का 450 स्क्वायर फीट के एरिया का उनको भू अधिकार पत्र रहने के लिए दिया जाता है। तो इसी की तरह तुम्हें मैं आज जावरा में 299 और पिपलौदा के 16 ऐसे भू अधिकार पत्रों का वितरण यहाँ पे किया गया है और निश्चित रूप से इनको आने वाले समय में आवास योजना के अंतर्गत भी लाभ मिलेगा और CMO नगर पालिका की भी तैयारी है, जो जावरा के ऑलरेडी केसेस सैंक्शन है उनकी तत्काल राशि जारी की जाएगी। जी, उनकी कुछ व्यस्तता के चलते उन्हें रात तक प्रयास किया, मुझसे तत्काल मतलब कॉन्स्टेंट बातचीत में थे, नहीं आ पाए। आलोट विधानसभा के कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने बताया कि सरकार ने आपसे जो भी वचन किया गया था उनको निभाया जा रहा है। बाकी में निश्चित रूप से ये देखा जा रहा था कि जो हमारे आवास के हितग्री हैं उन्हें उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने से उनका जो एक पहली किस्त डल गई थी, बाकी राशि उनकी आ नहीं रही थी क्योंकि उनके उनके पास रजिस्ट्री या पट्टा नहीं था। लेकिन हमने जब से हमारी सरकार बनी वहाँ से हम लोगों ने वचन पत्र में वादा भी किया था कि हम लोग सरकार बनेगी तो हम लोग हमारे जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास आवासहीन लोग, जिनके पास पट्टे नहीं मकान, उनको पट्टे देंगे हम लोग। तो आज ये हमने 400 से ऊपर लोगों के यहाँ पट्टे वितरण कार्यक्रम में पट्टे दिए। वहीं जावरा के भाजपा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांड्या ने इस कार्यक्रम को लेकर तंज कसा। वे बोले, मंत्री का कोई अधिकृत दौरा तय नहीं था, शासन ने मंत्री के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया, कांग्रेस के नेताओं की चरण वंदना में लगा है जिले का प्रशासन। साथ ही वे बोले, ये कार्यक्रम हड़बड़ाहट में क्यों किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।